नमस्ते विवेकानंद परिवार के सभी सदस्यों को नमस्ते। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज 21 जुलाई 2020 दिन मंगलवार। आज के पंचांग पर यदि दृष्टि डालें तो आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज का नक्षत्र आश्लेषा है। आज सिद्धि योग है। सूर्य दक्षिणायन है, उत्तर गोल पर स्थित है। वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है। सौर श्रावण मास प्रविष्टि की बात करें तो आज सातवां प्रविष्टा है। और आज के ही के दिन 1920 में माँ शारदा जी का निर्वाण भी हुआ था। यदि राहु काल की बात करें तो आज सायं 4 बजे से 5:30 बजे तक राहु काल है। और आज की ऐतिहासिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ होंगी श्रीमती संगीता। आज हम जानेंगे कि हमें पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन सी महिला मिली थी, यूजीसी द्वारा किस विश्वविद्यालय को आज के दिन मानक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, और आज माँ शारदा का निर्वाण दिवस भी है, तो इसके विषय में भी हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही हम जन्मदिवस वाले छात्रों को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देंगे। सर्वप्रथम हम प्रातःकालीन प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज मंगलवार है और मंगलवार को हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी अपने सिर को ढक लें, हम प्रार्थना प्रारंभ कर रहे हैं। All classes be ready for Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Svah Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurbhuvah Svah Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. All classes be ready for prayer. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमीरों पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुं लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर सि उर लाए रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई
जस बदन तुम्हरो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। मुद्रिका मिल मुख माही, जलधिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहु को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आसे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जान की माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहुं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय पसौ सुर भू। अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। बी रेडी फॉर नेशनल एंथम। जन जन मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्रविड उत्कल गंगा। भिन्न हिमाचल यमुना गंगा, उत्सल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्ते, एक बार फिर से प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। प्रार्थना के बाद हम ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती संगीता। वे हमें पूर्वोक्त ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में विस्तार पूर्वक बताएंगी। तो मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमती संगीता से कि आज की ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डालें। नमस्ते मैम। नमस्ते माननीय प्राचार्य जी, उपप्राचार्य जी, अध्यापक गण, अभिभावक गण एवं मेरे प्रिय बच्चों, इतिहास में प्रत्येक दिन का अपना ही महत्व होता है। इसी प्रकार 21 जुलाई का दिन भी अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण है। तो आइए उसके बारे में जानें। 21 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के रूप में चुनी गईं। वे देश का यह सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। वे 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में विजयी रहीं और 25 जुलाई 2007 को उन्हें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। आज ही के दिन 1963 में काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसकी आधारशिला गांधी जी ने रखी थी व इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी सन 1921 को वसंत पंचमी के पावन अवसर पर बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा भैदिनी वाराणसी में हुई थी। 21 जुलाई 1963 को इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया। आज ही के दिन सन 1920 में श्री रामकृष्ण की धर्मपत्नी व स्वामी विवेकानंद की गुरु माँ का देहावसान हुआ। माँ शारदा का जन्म 22 दिसंबर 1853 में बंगाल प्रांत स्थित जयराम वाटी नामक एक ग्राम में एक गरीब ब्राह्मण के घर में हुआ। उनका संपूर्ण जीवन सेवा व त्याग से परिपूर्ण था। करुणा की प्रतिमूर्ति कही जाने वाली माँ शारदा को श्री रामकृष्ण जगन माता के रूप में देखते थे। वह 1872 में फलहारिणी पूजा की रात उन्होंने उनकी पूजा की व अपनी शक्तियां भी उनमें स्थानांतरित की। मेरा आज का प्रश्न है कि नवंबर 1898 में माँ ने किस स्कूल की स्थापना की और वे कहाँ स्थित है। मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। नवंबर 1898 में माँ शारदा ने किस स्कूल की स्थापना की और वे कहाँ स्थित है। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक जानकारी आपने हमारे सामने प्रस्तुत की। आपके प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। 13 नवंबर सन 1898 को माँ शारदा द्वारा किस स्कूल की स्थापना की गई थी। आप इस प्रश्न के उत्तरों के बारे में सोचिए और कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर इसका उत्तर बताएं। अब समय हो रहा है हमारे जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। शुभकामनाएं देने के बाद हम आपको इस प्रश्न का सही उत्तर भी बताएंगे। आज जिन छात्रों का जन्मदिन है उनमें सर्वप्रथम है तीसरी ब के छात्र मयंक ठाकुर, चौथी ब के छात्र दिवजोत सिंह, पांचवीं ब के छात्र नमन धीमान, आठवीं अ के छात्र प्रियांशु कुमार, आठवीं ब की छात्रा सुहासिनी और नवमी ब की छात्रा मुस्कान। इनका आज जन्मदिवस है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी जन्मदिवस के छात्रों को
जन्मदिवस के अवसर पर गाए जाने वाला गीत गाकर शुभकामनाएं दें। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे साथ मिलकर गीत गाएं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का जन्मदिवस वाले छात्रों को शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पा रहा हूँ हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यापक, अभिभावक और यहाँ तक कि छात्र भी सभी छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स, मे गॉड ब्लेस यू विद बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। हम सभी की यही इच्छा है, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करें। तो जन्मदिवस से पूर्व हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि नवंबर 1898 को माँ शारदा द्वारा किस स्कूल की स्थापना की गई। इसका उत्तर है 13 नवंबर 1898 को माँ शारदा द्वारा सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल की स्थापना की गई। यह स्कूल निवेदिता लेन बाग बाजार कोलकाता में स्थित है। ऐतिहासिक जानकारी के लिए श्रीमती संगीता का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके साथ एक आवश्यक सूचना साझा करने जा रहे हैं। विद्यालय द्वारा कक्षा 11वीं की एडमिशन प्रारंभ हो चुकी है, सीमित सीट्स उपलब्ध हैं और जो मेधावी छात्र हैं उनके द्वारा इस लॉकडाउन के समय में स्वर्णिम अवसर उन्हें प्रदान किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा 85% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी ट्यूशन फीस का 50% भाग छात्रवृत्ति अथवा स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है। विद्यालय द्वारा 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी ट्यूशन फीस का 100% छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है। और इस क्षेत्र में विद्यालय एकमात्र ऐसा स्कूल है जो सफलतापूर्वक ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के साथ साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए भी कार्यरत है। इसके लिए विद्यालय द्वारा डांस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और योगा इत्यादि अनेक कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है इन सब कक्षाओं का आनंद लें और पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ कल फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।